इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक तेजी से चल रहे ट्रक को देखते हैं, जिसका ड्राइवर काफी घबराया हुआ था, क्योंकि उसने डियन एलियंस की फौज हाइब्रिड और इस ट्रक में उन्हें कुछ रखते हुए देखा था। जिस ट्रक को ये चुरा कर भाग रहा था, उसको ठीक से ट्रक चलाना भी नहीं आता था और उसके हाथ कांप रहे थे। फिर सर में भी दर्द होता है, जिससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रक सीधा नीचे खाई में आ गिरता है। वो ड्राइवर बाहर की ओर निकलकर सड़क की तरफ चलने लगता है, तभी एक गाड़ी वाला आकर उसको लिफ्ट देता है। वो उससे उसका नाम पूछता है, पर उसे अपना नाम याद तक नहीं था, जो कि वो अपने आईडी कार्ड पर देखकर बताता है। उसका नाम टाइलर था। टाइलर बताता है, एलियंस ने मेरे दिमाग में कुछ किया है, मुझे कुछ भी पता नहीं रहता। जिससे वो आदमी उसे पुलिस स्टेशन में छोड़ता है, जहाँ टाइलर उन्हें सब कुछ बताता है, पर सभी उसे अजीब नजरों से देखते हैं। फिर टाइलर के सर में दर्द होता है और उसे तीन हाइब्रिड दिखते हैं। ऑफिसर कहते हैं, हमारे पास एक एलियन प्रूफ रूम है जिसमें तुम सेफ रहोगे, और उसे पकड़कर जेल में ले जाते हैं। तभी एक बूढ़ा ऑफिसर किसी को कॉल करके कहता है, वो यहाँ है। फिर टाइलर जेल में बंद हो जाता है। टाइलर को फिर से हाइब्रिड की झलक दिखती है कि तभी वही बूढ़ा ऑफिसर आकर टाइलर से पूछते हैं, बताओ वो की कहाँ छुपाई है। टाइलर कहता है, मुझे नहीं पता, और वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। टाइलर हाथ से उनका मास्क हटा देता है, जो कि असल में डीएन एलियंस थे। टाइलर अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को रोक देता है और बाहर भाग जाता है, जिससे दोनों उसे देखकर उस पर हमला करने लगते हैं। तभी बेन केविन ग्वेन आकर उसे अपनी कार में बिठाकर भाग जाते हैं। टाइलर पूछता है, तुम लोग कौन हो। सभी कहते हैं, हमें अपना दोस्त ही समझो। पर टाइलर बेन के मुंह को चेक करता है, कहीं ये भी तो डीएन एलियन नहीं। बेन पूछता है, ये क्या कर रहे हो। टाइलर कहता है, तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। केविन कहता है, मैं सभी चीजें स्कैन करता हूँ, जो लेवल 2 की टेक्नोलॉजी होती है। टाइलर कहता है, तुम एलियन के बारे में जानते हो। बेन कहता है, हमें पता चला कि तुम्हारे पास ऑक्सीलेटर की है। केविन बताता है, लेवल 5 टेक्नोलॉजी। ग्वेन पूछती है, वो टेक्नोलॉजी तुमने कहाँ से हासिल की। टाइलर बताता है, मैं खुद भी नहीं जानता, मेरी याददाश्त को कुछ हो गया है। केविन कहता है, मैं बताता हूँ, तुमने हाइब्रिड के अड्डे से एक ऑक्सीलेटर की चुराई है। तभी बेन कहता है, केविन जल्दी से लाइट्स ऑफ करो, क्योंकि आगे डीएन एलियंस वही की ढूंढ रहे थे। केविन की गाड़ी थोड़ा हलचल करती है, जिससे सभी डीएन एलियंस ऊपर की ओर भागते हैं, पर केविन ने अपनी कार छुपा ली थी। केविन बताता है, ये उसे इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो की दूसरे डायमेंशन में जाने का तरीका है। की का पता बस टाइलर को पता था, उसी ट्रक में की थी जिसे उसने गिराया था। सभी ट्रक के पास पहुंचते हैं, जो बुरी तरह गिरा पड़ा था। केविन कहता है, वह क्या पार्किंग करी है। फिर ग्वेन अपने मैजिक से उस ट्रक के पीछे के दरवाजे को खोल देती है, पर अंदर रास्ता बंद था। टाइलर भी ये देखकर चौंक रहा था। फिर बेन क्रोमस्टोन में बदलता है, जिसको देखकर तो टाइलर पूछता है, तुम लोग हो कौन। केविन कहता है, घबराओ मत, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर बेन लेजर से ट्रक पर छेद करके अंदर देखता है, तो वहां पर ऑक्सीलेटर की के आसपास काफी सारे डीएन एलियंस थे। बेन कहता है, और एक मुसीबत। बाहर से केविन जैसे ही अंदर देखकर बोलता है, कहाँ हो बेन, कि तभी बेन ट्रक फाड़ते हुए बाहर निकलकर सीधा दीवार पर जा छपता है। फिर सभी डीएन एलियंस बाहर निकलकर बेन को पकड़ लेते हैं, जिन पर ग्वेन हमला करती है और केविन टाइलर को बचाता है। फिर तीनों उनसे लड़ने लगते हैं। एक डीएन एलियन ग्वेन को पकड़कर कहता है, हम तुम सबसे ज्यादा ताकतवर है। ग्वेन कहती है, पर अकल घुटनों में है तुम्हारी, और उन दोनों को पकड़कर दूर पटकती है। इधर बेन पर वो डीएन एलियन बनाने वाले कीड़े छोड़ देते हैं। यहाँ टाइलर ऑक्सीलेटर की को देखता जा रहा था और उसे याद आता है कैसे हाइब्रिड इंसानों को कुचलने के बारे में बातें कर रहे थे, कि जब यहाँ हाइब्रिड्स की शिप्स आएंगी, इनका प्लेनेट और इनका नामो निशान मिट जाएगा। उसे जम गेट भी दिखता है, जिससे स्पेसशिप्स यहाँ आएंगे। टाइलर कहता है, मुझे याद आ गया, इधर कीड़ा बेन के मुंह पर था। पर बेन काफी रिलैक्स होकर कहता है, कोशिश अच्छी थी, और कीड़े को निकालकर फेंक देता है। फिर डीएन एलियंस को ढेर करता है। यहाँ कुछ डीएन एलियंस मिलकर केविन को फाड़ रहे थे, जिसे बेन बचाता है। ग्वेन के सामने बस आखिरी डीएन एलियन बचा था, जो वहां से दुम दबाकर अपनी गाड़ी की ओर भागता है,
और पीछे से उसके डियन एलियन साथी भी उठकर गाड़ी के पीछे बैठते हैं। सब भाग जाते हैं। बेन कहता है, जाने दो उन्हें, हमें बस इस की से मतलब है। टाइलर कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया, वो सभी लॉस सोलेदार में जम गेट बना रहे हैं। बेन पूछता है, आखिर वो जाना कहाँ चाहते हैं? टाइलर बताता है, वो जाना नहीं आना चाहते हैं। हाइब्रिड की पूरी फौज आएगी और हमारे अर्थ को तबाह कर देगी। टाइलर खुशी से कहता है, याद आ गया मुझे। फिर बेन बोलता है, मुझे पता है तुम्हें क्यों याद आया। फिर उसका मास्क हटाता है और हम देखते हैं टाइलर भी एक डियन एलियन है। टाइलर अपना चेहरा आईने पर देखता है, डियन एलियन मैं? बेन कहता है, हाँ, इतने बड़े एक्सीडेंट से कोई आम इंसान नहीं बच सकता, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई। जिससे टाइलर बोलता है, पर मैं तो एक आम इंसान हूँ। बेन उसे बताता है, सब पहले वैसे ही होते हैं। हाइब्रिड हमारे ऊपर उन कीड़ों से कब्जा करवा के हमसे घिनौने काम करवाता है। केविन बताता है, उन्होंने ये कीड़े बनाए हैं जो हमसे हमारी इंसानियत छीन लेते हैं। बेन कहता है, तुम भी एक डियन एलियन बन चुके हो। उन्होंने पूरे शहर को बना दिया। हम कुछ दिन पहले ही सोलेदार गए थे, हमें लगा हमने सब कुछ तबाह कर दिया जिसे वो बना रहे थे। एक अच्छी बात ये हुई कि तुम वहाँ से वो की उठा लाए। असल में टाइलर को इस की को लॉस सोलेदार पहुँचाने के लिए मिशन मिला था, पर टाइलर ने ट्रक गिरा दिया था। ग्वेन कहती है, यकीन नहीं होता तुमने खुद पर काबू कैसे रखा। टाइलर कहता है, क्या पता मैं उन्हीं में से एक हूँ। बेन कहता है, नहीं, तुम हमेशा उससे लड़ते रहे हो, सभी लड़ रहे हैं, पर तुमने ही अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखा है। केविन कहता है, हमें पहले ये की यहाँ से ले जानी चाहिए। बेन बोलता है, वो अपनी दुगनी ताकत से यहाँ आएंगे। फिर टाइलर, मेरी फिक्र मत करो, मेरे शहर को बचाओ, कहकर ट्रक को फाड़ने लगता है। की को ग्वेन अपने मैना से उठाती है, पर की काफी भारी थी, जिससे बेन ह्यूमंगसौर में बदलकर की को सभी ऊपर लाते हैं। बेन कहता है, तुम कार से चलो, इसे मैं पहलवान लाता हूँ। तभी ऊपर से डीएन एलियंस का सिप आकर चीजें खींचने वाली बीम उन पर मारता है। बेन भी अपने अपग्रेड फॉर्म में उतरता है और की को उठाकर भागने लगता है। चारों दोबारा से खाई में पहुंच जाते हैं। बीम भी उनकी तरफ ही आ रही थी। ग्वेन उसे अपने मैजिक से रोकती है। ऊपर से सभी डीएन एलियंस नीचे कूदकर उन सब पर फायरिंग करने लगते हैं। टाइलर भागते हुए जाकर उन पर हमला करता है, पर डीएन एलियंस ज्यादा थे। बेन आकर उसे बचाता है। टाइलर कहता है, मैं कोई काम का नहीं रहा। बेन कहता है, नहीं, उम्मीद मत छोड़ो। ग्वेन भी उस बीम को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी। फिर बेन जेटरे में बदलकर ऊपर जाता है, जिस पर फायरिंग होती है। बेन उनको अपनी आई लेजर से ढेर करता है। केविन और टाइलर भी उन पर पत्थर फेंक रहे थे। टाइलर, केविन, ग्वेन को भी बचा रहे थे। टाइलर को तो डीएन एलियंस पकड़कर कहते हैं, तुम्हें इस बार ऐसा डोज देंगे टाइलर, तुम इंसानी लफ्ज को ही भूल जाओगे। ग्वेन भी उस बीम को नहीं रोक पाती और नीचे गिर जाती है। फिर सभी डीएन एलियंस उस बीम से ऊपर जाने लगते हैं और टाइलर को भी अपने साथ ले जा रहे थे। की और ग्वेन भी ऊपर जा रहे थे। ग्वेन को केविन बचाता है। बेन की और टाइलर को देखता है। केविन कहता है, बेन ऊपर लगे आईने को तोड़ दो, पर बेन अपने दिल की सुनता है और टाइलर को बचाता है। की को लेकर डीएन एलियंस भाग जाते हैं। ग्वेन कहती है, बेन तुमने केविन की बात क्यों नहीं सुनी? बेन कहता है, फिर कभी सुन लूंगा। टाइलर बोलता है, हम हार गए, अब वो सब गेटवे बनाकर सब कुछ तबाह कर देंगे और मैं भी ऐसा ही रहूंगा। बेन, मैंने कहा था ना, हिम्मत मत हारना, कहकर उसके सिर पर अपना हाथ रखता है और ऑमनिटिक्स उसका जेनेटिक नुकसान रिपेयर कर देता है, जिससे टाइलर पहले जैसा बन जाता है। उसे सब कुछ याद भी आ गया था। वो कीड़े को भी कुचल डालता है। आखिर में बेन कहता है, हम उस हाइब्रिड को रोकेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।